बादशाह साहब, कल सुबह 8 बजे मिलिए। पुरसुकून रहिए शहजादे, यहां ऐसे क्यों सो रहे हैं? अपने पापा से पूछो सबहद्दीन। अब्दुल कादिर मेरे भाई, आपको याद है जब हम छोटे थे और सैर के लिए गए थे और आपने मुझसे कहा था कि आपको शहर से बाहर जाना है? आपने समंदर में छलांग लगा दी और हमने आपको डूबने से बचाया। जब तैराकी आती नहीं थी तो छलांग लगाई क्यों थी आपने? मैंने छलांग नहीं लगाई थी, आपने धक्का दिया था। नहीं जानते थे कि आपको तैरना नहीं आता। सब ये समझ रहे थे कि अगवा हो गए हैं हम, और जब रात को वापस आए तो मैंने इल्जाम अपने सर ले लिया और वालिदा ने मेरी पिटाई की। मुझे नमूनिया हो गया था। कई हफ्तों तक हमें मिलने नहीं दिया था। अब मेरी बारी है, मैं आपको डूबने से बचाऊंगा मेरे भाई। अब्दुल कादिर, बाबा ने आपसे क्या कहा मैं नहीं जानता। रुक जाइए मेरे भाई, मेरी आंखों में देखिए, वादा करता हूं आपसे, कसम खाता हूं, बाबा और आप में से किसी को चुनना पड़ा तो आपको चुनूंगा मैं। लेकिन अभी आपको बात माननी पड़ेगी, वो मेरे बाबा हैं और आप मेरे दोस्त। अब्दुल कादिर, बात मान लीजिए, बाबा हिम्मत हारते जा रहे हैं, भरोसा करें, मान जाए। तुम यहां इंतजार करो, मैं सुल्तान को इत्तला करता हूं। मैं अभी आया। माफ कीजिएगा मोहतरमा, मुझे जलाल भाई ने यहां रुकने को कहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, फुर्सत थी तो सोचा कि कुछ सफाई कर लूं। लाइए, मैं उठा देता हूं। बहुत शुक्रिया। हम कई बार मिल चुके हैं मगर अभी तक मुझे आपका नाम नहीं मालूम। ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मेरा नाम उमर है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं खुद नहीं जानती कि मेरा नाम क्या है। एक हादसे में मेरी याददाश्त चली गई, कौन हूं, कहां से आई हूं, कुछ भी नहीं जानती मैं। मेरे पास आपके लिए बहुत जरूरी मालूमात है। सुल्तान की गाड़ी से जब आप टकराई थी तो आपके हाथ से यह तस्वीर गिर गई थी, मैंने उठा ली, आपको देने का मौका ही नहीं मिला, शायद आज नसीब में था। कोई गांव है? हाँ, शायद। यह आदमी कौन है? आपका शौहर है क्या? क्या पता, शायद हो। आइए शहजादे, बैठिए। सुल्ताने मौसम, हमारे सीने में एक राज दफन है जो अब बोझ बन गया है हम पर। बताइए ऐसी क्या बात है, सुन रहे हैं हम। जिस रात गोदाम में कत्ल हुआ था उस रात हम खुफिया रास्ते से बाहर गए थे,
बस ऐसे ही सैर करने के लिए निकले थे, लेकिन हमें देर हो गई और हम रात गए वापस आए। मगर उस लड़की को हमने नहीं देखा और ना हम जानते हैं उसे। आखिर बात क्या है शहजादे, आपने तो कुछ नहीं किया। अलबत्ता सुल्तान की इजाजत के बगैर इस तरह छुपकर महल से बाहर जाना कोई मामूली बात नहीं है। अगर सीने पे बोझ ज्यादा है बरखुर्दा तो उतार दीजिए उसे। बताइए, महल से निकलते वक्त तन्हा थे हम, मगर जब वापस आए तो साथ में कोई और भी था। कौन? मामू। हमारे मामू मेहमत पाशा। उन्होंने हमें हमारे कमरे तक पहुंचाया और तहखाने के रास्ते से कहीं चले गए। मुलाजिमा के साथ क्या हुआ नहीं जानते हम। तहसीन पाशा, दस्ता तैयार करें सिपाहियों का, मेहमत पाशा को गिरफ्तार करना है। ये सब झूठ है, झूठ। आपने झूठ क्यों कहा? पाशा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो बताइए मुझे। सफीर साहब, आपने जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत मशकूर हूं। क्या हमारा वो मेहमान अभी तक नहीं पहुंचा? हैरत है, पैगाम तो ऐसे भेजा था कि हर सूरत वो यहां मौजूद होगा। नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन पता तो चले कि आखिर वो शख्स है कौन। आ जाओ। मेरा ख्याल है कि मुझे अब चलना चाहिए सफीर साहब। पाशा, आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपना खास महाफिज दस्ता आपके घर भेजा है गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तारी के लिए। क्या? लगता है किसी ने मुझे बर्बाद करने की कसम खा ली है। ये लीजिए, सिफारत खाने को एक दरख्वास्त लिखें सियासी पनाह के लिए। आपके पास बचने का और कोई तरीका नहीं है।